नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे इस खूबसूरत से प्लांट पर्पल हार्ट के बारे में बात करूंगी। जैसे कि इसका कलर है पर्पल, वैसे ही इसका नाम है पर्पल हार्ट। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसकी कलरफुल ऐसे पत्तियां हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से जब ग्रीन के बीच में हम कोई भी पर्पल कलर का प्लांट रखते हैं। अगर आपने ये प्लांट नहीं लगा रखा है तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, नए हैं गार्डनिंग में, तो भी इस प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। अगर इसकी छोटी सी कटिंग भी आप कहीं से ला कर के लगा लेते हैं तो बहुत ही ईजी ये ग्रो हो जाता है। नहीं तो नर्सरी में आराम से ये 30 से 40 रुपये में मिल जाता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने ये प्लांट जो है कटिंग से ही तैयार किया है। छोटी छोटी सी अगर इसकी 1 से 2 कटिंग भी मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा चल जाता है। फिर उसी से काफ़ी सारे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी इसको अगर आप कैसी भी मिट्टी में लगाते हैं तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। यानी कि इसको ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी अगर सिंपल भी रखेंगे तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह से अपने बाकी सभी प्लांट्स की मिट्टी मैं बनाती हूँ, वैसी ही इसकी मिट्टी मैंने बनाई हुई है। मिट्टी में थोड़ा सा रिवर सैंड डाला है, कंपोस्ट डाला है और हल्दी पाउडर या नीम की खली, आपके पास जो भी हो वो ले सकते हो। तो वही मिक्स करके जो मैं सारे प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ, बस उसी में मैंने इसे लगाया हुआ है। और इसको आप किसी भी साइज़ के कंटेनर में लगा सकते हैं, छोटी सी बॉटल में, प्लास्टिक के बैग में, कबाड़ में, कहीं पर भी ये आसानी से चल जाएगा। यानी कि इसे कोई ऐसे नहीं है कि इसको बड़ा गमला ही चाहिए या फिर मिट्टी का गमला या कोई दूसरा गमला दो, ये कहीं पर भी छोटे से बॉक्स में, डिब्बे में, कहीं पर भी आसानी से चलने वाला प्लांट है। मैंने तो काफ़ी जो है प्लास्टिक की जो मेरी जितनी भी किचन से वेस्ट थैलियाँ वगैरह निकलती हैं उन्हीं में अपने काफ़ी सारे प्लांट्स को ग्रो किया है और ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो इस प्लांट को गमले की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको प्लास्टिक की पन्नी वगैरह कहीं पर भी लगाते हैं तो ये आसानी से चल जाएगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दो प्लांट अगर आसपास ग्रीन है उसके बीच में इसे रखिए, या फिर आप इसके साथ कोई ग्रीन पत्तियों वाला प्लांट भी लगा सकते हैं तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। टाइम टाइम पर इसकी अगर हम ऊपर से प्रूनिंग वगैरह कटिंग करते रहते हैं तो प्लांट काफ़ी बुशी बन जाता है। अब बात करते हैं इसको सनलाइट की। सनलाइट जैसे कि ये जो है इंडोर प्लांट है, इसे हम इंडोर भी लगा सकते हैं लेकिन जहाँ अच्छी लाइट आती हो, या फिर आपकी बालकनी है कहीं धूप नहीं आती है तो वहाँ इसे हम ग्रो कर सकते हैं, ये आसानी से चल जाएगा। मेरा जो ये प्लांट रखा है बस यहाँ इसको पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है, धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो ज़्यादा इसको धूप नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा इसे पानी चाहिए। पानी भी मैं कम से कम 4 से 5 दिन छोड़कर ही इसमें डालती हूँ तो भी ये अच्छा ग्रोथ करता रहता है, क्योंकि इसकी स्टेम्स में है काफ़ी मात्रा में पानी रहता है तो पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कीड़ों का अटैक अभी तक मेरे प्लांट पर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई कीड़े वगैरह लगते हैं। तो अगर लगते हो तो नीम ऑयल का स्प्रे हम कर सकते हैं या फिर नीम की पत्तियों का स्प्रे भी कर सकते हैं। बाकी मेरे प्लांट में मैंने आज तक कभी कोई इसमें कीड़ा नहीं देखा है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पत्तियाँ होती है तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लो मेंटेनेंस है। अगर आप इसको कहीं पर भी छोटी सी कटिंग से भी लगाते हैं तो ये आसानी से चल जाएगा। अपने आसपास से इसकी कटिंग ले आइए और अपने गार्डन में इसे ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत